रॉटवाइलर डॉग को अपने घर के आसपास के बच्चों से नहीं मिलवाते हैं, घर के आसपास के छोटे जानवरों से नहीं मिलवाते हैं, जिसके वजह से ये सोशलाइज नहीं हो पाता है। और अपने पावर पर ये जब आ जाता है तो गाय भैंस घोड़े को भी हालत पस्त कर देता है। और बकरी का तो आप बात ही कर छोड़ दो, बकरी को तो यूं ही मार देगा, दूसरे जर्मन शेपर्ड हो, दूसरे किसी भी डॉग को यूं ही मार देगा। तो अगर आप लोग रॉटवाइलर डॉग लेने के बारे में सोच रहे हो तो इसे बचपन से ही तो मैंने 5 दिन पहले ये रॉटवाइलर डॉग अपने घर पे लाया है। और मेरे घर के आसपास जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं सब जानते हैं कि मेरा जितना भी डॉग है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होता है। तो उसने इस डॉग को भी सोच लिया कि ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होगा और इसका सिक्कर लेकर के वो घुमाने निकल गया। अब दोस्तों ये डॉग इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उस बच्चे को घिसटा करके मेरे पास ले आया। देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा, मतलब कि मेरे से मात्र इतने दिन में इतना ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर कर रहा है। अब फ्रेंडली होने का मतलब ये नहीं है कि इसके पास पावर नहीं होगा, इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है और इसका बॉडी बहुत ही बड़ा है, फेस बहुत ही बड़ा है। अब दोस्तों जो रॉटवाइलर डॉग है ना, ये इंडिया में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डॉग है। इसका जो बाइट फोर्स होता है वो अराउंड 350 PSI होता है, जबकि जर्मन शेपर्ड का 230 PSI के आसपास होता है। और अगर आदमी का बात करें तो 150 के आसपास PSI होता है। अब दोस्तों ये जब मूड में आ जाता है तो मुझे भी खींच लेता है, इसका इतना ज़्यादा पावर होता है। अब जो PSI का मैंने बताया आपको, वो इसके बाइट करने का क्षमता मैंने बताया है, वो तो अलग बात है कि ये बाइट करेगा। तो समझ लो कि अगर इसने आपको पकड़ लिया तो छुड़ाना नामुमकिन हो जाएगा। अब दोस्तों रॉटवाइलर के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा तो आप लोग बोलोगे कि ये तो मुझे पता ही नहीं था। दोस्तों रॉटवाइलर डॉग का जो यूज़ था स्टार्टिंग में, वो सामान को खींच करके एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाना था स्टार्टिंग में। तो ये सामान को खींच करके एक जगह से दो जगह तक ले जाता था, तो आप अंदाज लगा लो कि इसके पास कितना पावर रहा होगा जो लोग जर्मन शेपर्ड को छोड़ करके इस डॉग को रखते थे अपने सामान को खींचने के लिए। तो इसका पावर आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो। और दूसरी चीज़ ये कि इसका यूज़ करते थे जो, जैसे कि गाय भैंस को लोग चराने के लिए ले जाते हैं तो उसको देखने के लिए, बड़े बड़े जीव को ये चरवाता था अच्छे तरीके से। तो इसके इंटेलिजेंसी को भी आप यहाँ से पता कर सकते हो कि कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट था और कितना ज़्यादा ये पावरफुल था। इसी के वजह से ये डॉग आज इतना ज़्यादा फेमस है। ये सब तो हो गया इसके पावर के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। दोस्तों जैसे हमारे पास पेंसिल है, वो पेंसिल खतरनाक नहीं हो सकता है, लेकिन उसी पेंसिल को अगर मैं किसी के आँख में भोंक दूँ, मारने के लिए यूज़ कर दूँ, तो वो खतरनाक हो जाएगा। सेम इस रॉटवाइलर की तरह हो सकता है। अगर आप रॉटवाइलर डॉग लेना चाहते हो तो ये चीज़ आप लोग जान लो। दोस्तों रॉटवाइलर का जो इतना ज़्यादा पावर है ना, लोग कई बार अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और इसे लेने के बाद उसको ओबीडियंस ट्रेनिंग नहीं देते हैं, जैसे कि अपने घर के आसपास नहीं घुमाते हैं, अपने गेस्ट से नहीं मिलवाते हैं, अपने घर के आसपास के लोगों से नहीं मिलवाते हैं। इधर आ जाओ, कम ऑन, देखिए, आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। रॉटवाइलर डॉग को अपने घर के आसपास के बच्चों से नहीं मिलवाते हैं, घर के आसपास के छोटे जानवरों से नहीं मिलवाते हैं, जिसके वजह से ये सोशलाइज नहीं हो पाता है। और अपने पावर पर ये जब आ जाता है तो गाय भैंस घोड़े को भी हालत पस्त कर देता है। और बकरी का तो आप बात ही कर छोड़ दो, बकरी को तो यूं ही मार देगा, दूसरे जर्मन शेपर्ड हो, दूसरे किसी भी डॉग को यूं ही मार देगा। तो अगर आप लोग रॉटवाइलर डॉग लेने के बारे में सोच रहे हो तो इसे बचपन से ही छोटे जानवर से मिलवाइए, घर के लोगों से मिलवाइए, पड़ोसी के लोगों से मिलवाइए। इधर आओ, कम ऑन, देख सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। इधर आ जाओ, कम ऑन, हाँ गुड। तो सबसे मिलवाइएगा तो जो एग्रेसिवनेस का प्रॉब्लम है आपको जल्दी देखने के लिए नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ आप इसको ओबीडियंस ट्रेनिंग जरूर दीजिए, हैंड शेक सिट, मात्र 3-4 ट्रेनिंग दोगे तो इससे आपका डॉग कंट्रोल हो जाएगा।
और एग्रेसिव नहीं होगा। हालांकि एग्रेसिव के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं एकदम पार्टिकुलर बना दूंगा, ताकि आप लोग अपने डॉग के लिए वो प्रिपेयर कर सको और आपका डॉग एग्रेसिव ना हो पाए। तो पहला मैंने आपको बता दिया कि इसका बहुत ज़्यादा पावर होता है। दूसरा ये कि जिस तरीके से जर्मन शेपर्ड वगैरह में आप उसको मारोगे तो वो किसी भी चीज़ को छोड़ देगा, ठीक है। जैसे ये अगर किसी भी चीज़ पे अटैक कर दिया है तो अगर आप इसको मारोगे, डंडे से मारोगे, किसी भी चीज़ से मारोगे, तो ये और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा और उस चीज़ को और भी कस करके पकड़ लेगा। तो ये इसका प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ा इसका ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सपोज डैट कि आपका रॉटवाइलर किसी भी चीज़ को हाथ में पकड़ लिया, पैर में पकड़ लिया, किसी जानवर को पकड़ लिया, तो आप कलम लीजिए और इसके माउथ के बगल में घुसाइए और कलम को इस तरीके से मोड़ दीजिए तो इसका जबड़ा खुल जाएगा, ये छोड़ देगा। नहीं तो अगर ये किसी चीज़ को पकड़ लिया और आप इसको डंडे से मारोगे तो उस चीज़ को और कस के पकड़ेगा, क्योंकि जो एग्रेसिव वाला हार्मोन है इसके अंदर वो और ज़्यादा रिलीज हो जाता है मार खाने के बाद। तो दूसरा चीज़, इसको मारिएगा मत, ठीक है। अब दोस्तों तीसरा प्रॉब्लम ये कि इसमें कभी कभी पारवों का केस थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है, कंपैरेटिवली जर्मन शेपर्ड हो या फिर इंडियन स्पिट्स हो, देसी डॉग हो, लैब्राडोर हो, उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा इसको पारवो वायरस अटैक करता है जेनेटिकली, यदि हम बात करें तो। तो वैक्सीनेशन का चूक आप लोग मत करिएगा, प्लीज़ वैक्सीनेशन आप लोग इसको डलवा लीजिए। तो रॉटवाइलर्स के तीन प्रॉब्लम्स के बारे में आपने जान लिया। अगर कोई और प्रॉब्लम पार्टिकुलरली इस रॉटवाइलर के बारे में आपको पता होगा तो नीचे कमेंट कर दो, और इसके कुछ खासियत के बारे में आपको पता होगा तो वो भी कमेंट कर दो, ताकि लोगों को इसके बारे में अच्छे तरीके से पता चले। देखिए, कम ऑन, हाँ, इसके बारे में और भी अच्छे तरीके से पता चले। दोस्तों हमारे वीडियोस आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के रेड कलर में आपको नीचे सब्सक्राइब मिलेगा, सब्सक्राइब कर लोगे तो हमारे वीडियोस फ्री में आपको मिलेगी। तब तक के लिए सेफ केयर, बाय बाय, जय हिंद।